अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग ने नागपुर स्थित ओयो होटल मिडहस पे छापा मारकर एक बड़ी कामगिरी को अंजाम दिया। पुलिस को गुप्त सूचना के आधार पर जानकारी मिली थी कि होटल मिडहस में देह व्यापार चल रहा था, जिस पर कार्रवाई करते हुए उन्होंने आरोपियों को पकड़ने में सफलता प्राप्त की है। शुक्रवार को अपराध शाखा के सामाजिक सुरक्षा विभाग को गुप्त सूत्रों के आधार पर जानकारी मिली थी कि रेहान और देवेंद्र पटेल नाम के दो आरोपी स्कोका इस ऑनलाइन साइट के माध्यम से ग्राहकों की बुकिंग करवाया करती थी और मजबूर लड़कियों को इस दलदल में लाकर उनका देह व्यापार के जरिए खुद की आर्थिक फायदे के लिए उपयोग करती थी, जिसके बाद पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए एक फर्जी ग्राहक के जरिए 42,000 में 3 लड़कियों की ऑनलाइन बुकिंग की और 2,000 रुपए एडवांस दिए, जिसके बाद योजना के अनुसार एक पंटर के माध्यम से कार्रवाई को अंजाम दिया गया। पुलिस ने इस मामले में मौजूद 3 लड़कियां, जिनमें 2 वेस्ट बंगाल की है और 1 बिहार की है, उन्हें रिहा कर दिया है। वहीं एक आरोपी फरार है और 2 के खिलाफ धंतोली थाना अंतर्गत मामला दर्ज किया है। इस संदर्भ में अपराध शाखा के पुलिस निरीक्षक सार्थक निहते ने अधिक जानकारी साझा की। काल रात्री वर्धा रोड वरील मिडास या हॉटेलमध्ये आपण ट्रॅप रचला होता। आपण ऑनलाईन त्यांच्याशी संपर्क साधला होता आणि 3 मुलींचा आपल्या पंटरमार्फत सौदा केला होता। 42,000 रुपयामध्ये तसा सौदा ठरला होता। 2,000 रुपये आपण त्यांना गुगल पेने ॲडव्हान्स दिलेला होता आणि 40,000 रुपये भेटल्यानंतर द्यायचे ठरले होते। त्यामुळे त्याप्रमाणे काल रात्री 2 मुली या वेस्ट बेंगॉल कलकत्ता इथून आल्या होत्या आणि 1 मुलगी बिहार इथून आली होती। या हॉटेलमध्ये आल्यानंतर आपण पंटरमार्फत त्या ठिकाणी ट्रॅप रचला आणि एक दलाल आहे कुणाल देवेंद्र पटेल, याला आपण ताब्यात घेतलेलं आहे। तिन्ही मुली पीडित मुलींची सुटका केलेली आहे आणि एक फरार आरोपी आहे रेहान नावाचा, याच्यावर यापूर्वी देखील पिठाचे 3-4 केसेस दाखल आहेत। या 2 आरोपींविरुद्ध आपण धंतोली पोलीस स्टेशनला गुन्हा दाखल। अनैतिक कामों के लिए स्त्री पुरुष या बच्चों की खरीदी व बिक्री करना ये देह व्यापार के अंतर्गत आता है, जिन पर जल्द ही रोकथाम लगाना बेहद जरूरी है। कैमरा पर्सन माइकल के साथ दिशा हटवार, BCN News नागपुर।